नमस्ते मयंक। नमस्कार सर। तो ये वानिकी, ये फॉरेस्ट्री के छात्र कैसे बन गए आप? सर मेरा पहले से ही फॉरेस्ट्री में रुझान था। मेरे गांव के पास में ही पन्ना टाइगर रिजर्व है, मैं अक्सर वहां जाया करता था और जब मेरा यहां सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद मेरा लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन वहां की तो जिंदगी बड़ी कष्टदायक होती है, कैसे जियोगे आप वहां जाके, कैसे काम करोगे? सर जितनी कष्टदायक है पर प्रकृति के अनुभवों को जब महसूस करते हैं तो वो बहुत ही आरामदायक बन जाती है। अच्छा, अभी जब छुट्टियों में जाते हैं तो फॉरेस्ट में चले जाते हैं? यस सर बिल्कुल। और कौन से फॉरेस्ट देखे हैं आपने हिंदुस्तान में? सर मैंने ऑल इंडिया टूर जब गया था तो साउथ कैंपस के कुछ फॉरेस्टों में विजिट की थी। उसके अलावा झांसी के आसपास जितने भी जैसे बनगवा और बाकी के फॉरेस्ट एरिया में भी विजिट की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना भी है और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना भी है? तो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, और आपने फॉरेस्ट में घूमे फिरे हो, उससे परिचित हो, तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर जैसा कि हम जानते हैं कि वन हमारा एक अमूल्य उपहार है प्रकृति का, तो भारत में जितने भी राज्य हैं वहां पे मानक रूप से थोड़ा कम है फॉरेस्ट एरिया। इसके लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर वन महोत्सव के प्रोग्राम और हर मेड़ पर पेड़ की नीति को अपनाकर इसके फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में डिग्रेडेड लैंड है वहां पे अधिक से अधिक पौधों का लगाकर हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। आज दुनिया में बहुत बड़ी फॉरेस्ट में आग की घटनाएं दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देशों को भी हिला देती है, तो फॉरेस्ट की रचना में पहले से ही आग फैलने की स्थिति को रोकना, कुछ मान लीजिए एक स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट हो, फिर बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो कि आग आगे पीछे फैले नहीं, इसकी वजह से व्यवस्था हो, इस पर कुछ काम हो सकता है क्या? यस सर, जैसा कि इस पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कई फॉरेस्ट प्रॉन जो फायर प्रॉन एरिया है उनको चिन्हित किया गया है, तो वहां पर समर सीजन में वैसे भी फॉरेस्ट लाइन का निर्माण कर दिया जाता है जिससे एक जगह से दूसरी जगह फॉरेस्ट फायर ना बढ़ सके। देखिए मयंक जी, आपने बहुत ही अच्छा क्षेत्र लिया है और मुझे लगता है कि दुनिया जो आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के परेशान है, एनवायरमेंट के विषय में कॉन्शियसनेस आ रहा है, जितना महत्व ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ रहा है उससे भी ज़्यादा महत्व फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए हो रहा है। बीते 5-6 सालों में भारत में फॉरेस्ट कवर का बहुत विस्तार हुआ है। इसी तरह बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में भी, चाहे वो टाइगर्स की आबादी हो, हाथियों की आबादी हो, भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दुनिया उसको नोटिस भी कर रही है। और आपने देखा होगा इस बार मैंने 15 अगस्त को घोषित किया है डॉल्फिन को लेकर के, उसी प्रकार से मिशन लायन इसको भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बायोडायवर्सिटी का भी संरक्षण भी हो और विस्तार भी हो और उसमें क्वालिटेटिवली भी लगातार बदलाव आता जाए, उसकी व्यवस्थाओं में भी बदलाव आए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मयंक जी, आपने ऐसा क्षेत्र चुना है जिसका बहुत उज्जवल भविष्य है, मैं आपको बता के रखता हूँ। आज भले लोग न मानते हो लेकिन आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर।